चौक इंचार्ज पांबा श्री अनिल कुमार भदौरिया, इन्होंने एक छोटी सी बात, एक मेरे क्लाइंट का जो संबंध था उसकी मैंने जानकारी करने के लिए उनको फ़ोन किया था 17 तारीख को। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने क्लाइंट से कह देना कि हमारे क्षेत्र में दिखाई न पड़े, अन्यथा 5 किलो के नीचे चरस नहीं लगाते हैं। मैंने उनसे जानकारी की थी कि चरस कहाँ से लाते हैं, तो उन्होंने चरस के स्रोत बताने के स्थान पर उन्होंने कहा कि चरस आप बिकवाते हो, आपका क्लाइंट बेचता है, ये चरस आपके पास में है, और अगर इस क्षेत्र में कहीं दिखाई पड़े तो हम इस मामले में सीधे गंभीर कार्रवाई करेंगे और जेल भेजेंगे। साथ में उन्होंने ये भी धमकी दी जब मैंने इस बारे में पूछा कि इसका स्रोत बताएं और मैं इसके खिलाफ़ आपके खिलाफ ऊपर उच्चाधिकारियों को लिखूंगा, कार्रवाई करूंगा, तो उन्होंने कहा कि जितना जहां जहां चाहो पुलिस महानिदेशक को सीधे आप सूचना करो, अगर ज़्यादा कुछ और बोलते हो तो उन्होंने कहा अपना पता बताओ, और 2 घंटे के अंदर मेरे घर के में घुस के 14 गोली अपनी पिस्टल से उतारने की बात कही। उन्होंने कहा कि 14 गिलासें गिरेंगी, और जब पिस्टल कौन सी आती 14 गोली की, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 14 की नहीं 17 की भी आती जो उनके पास में है। देखिए चौकीदार पामा जो अनिल कुमार सिंह भदौरिया है, उनका एक कुछ समय इसी संबंध में इन्होंने दिखा दिया साहब सम्मानित वकील हैं और उन्होंने साथ जो है कुछ आटा किया कार्रवाई उनकी प्रार्थना पत्र लिया गया है, गरीब का सम्मान किया जा रहा है और इसकी प्रारंभिक जांच के लिए चिट्ठा अधिकारी आदेश कर दिया है, जैसे ही जांच आती है। जनपद में एक अधिवक्ता ने RTI डालकर पुलिस से कुछ दिलचस्प सवाल पूछे हैं। इस RTI में पूछा गया है कि पुलिस चरस कहाँ से लाती है और उसे 14 गोलियों वाली पिस्टल कहाँ से मिलती है। लक्ष्मी नारायण, ETV भारत, कानपुर देहात।